नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने 31 अक्टूबर को 14 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। यहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर ने सख्त एक्शन लिया है। बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक एक साल के लिए 15 अपराधियों को रीवा जिले की सीमा से बाहर किया गया है। ये आरोपी आए दिन मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज और अवैध शस्त्रों के उपयोग के चलते पुलिस के निशाने में रहे हैं। पुलिस की समझाइश के बाद भी आरोपियों के कृत्यों में सुधार नहीं हो रहा था। बीते दिनों कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल के पास एसपी विवेक सिंह ने प्रतिवेदन तैयार कर भेजा था, जिसको आधार बनाते हुए मंगलवार की शाम जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिला दंडाधिकारी ने रजनीश विश्वकर्मा उर्फ जग्गा निवासी लक्ष्मण बाग थाना बिछिया, संदीप पटेल निवासी लक्ष्मणपुर थाना बिछिया, अभिषेक उर्फ प्रीतम कोल निवासी ललपा थाना बिछिया, बेटू उर्फ राजकरण सिंह निवासी तेंदुन थाना बैकुंठपुर, सूरज साकेत उर्फ नक्का निवासी नौबस्ता थाना चौराहटा, शैलेश साकेत निवासी महिया थाना रायपुर करचुलियान, तौहीद निवासी रायपुर करचुलियान एवं पुष्पेन पटेल निवासी गुरगांव थाना रायपुर करचुलियान का नाम शामिल है। इसी प्रकार सुरेश साकेत निवासी महाजन टोला थाना बिछिया, चुन्नू प्रजापति उर्फ दुर्गेश निवासी कुरियान मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली, अमन मिश्रा निवासी समान बांध गुलाब नगर थाना समान, दिवाकर सिंह निवासी सूती थाना जने, दीपेंद्र कुमार पांडे उर्फ अन्नू निवासी व्यवहारा थाना रायपुर करचुलियान एवं शुभम पांडे निवासी पटना थाना रायपुर करचुलियान को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर किया गया है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों प्रशासन अलर्ट मोड पे है।